भारत बहुत आगे है, भारत आपको चाइना से भी आगे निकल रहा है, जल्दी नजर आएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या सुपर पावर की दौड़ में भी देख सकते हैं उसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल। इंडिया आपको बहुत आगे नजर आएगा। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम शायद एथोपिया या सोमालिया के करीब आ जाएं। इंडिया का अगर मोदी बेस्ट कर रहा है तो लोग उसके साथ है ना, उनकी फिल्म शरीफ इधर का नहीं, इतनी इसका कैलिबर ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इंस्टेड ऑफ हेट, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके अपने राइट्स जानने चाहिए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत में है कि हमारे राइट्स ये हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। ट्रेड भारत के साथ क्या हर मुल्क के साथ होनी चाहिए, जहाँ पर भी क्योंकि आपको फैसिलिटी मिलती है ना, उनसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सर, एड पॉलिसी रही है, ट्रेड पॉलिसी आज तक नहीं रही। यही मसला है, इसी वजह से हम पीछे हैं। बजाय कि एड ले ली उसका, फिर वो एड जो होती है, एड भी कब होती है, ये कर्जा होता है। एड हो तो वो तो ख़त्म हो गई थी ना। कराची पोर्ट का आपको खबर आई होगी कि उसको भी 25 ईयर्स के लिए, हाँ 25 ईयर्स के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए के लिए दिया। अंदाज़ा 15 अरब रुपए क्या अमाउंट है पाकिस्तानी, 15 अरब रुपए, वो बिलियन मिलियंस में करें तो 50 मिलियंस का है टोटल। उन्होंने बाकी कुछ रखा है 104 मिलियन टोटल है, उसमें कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, पोर्ट भी दे रहे हैं, हर बेहतर है। इससे बेहतर ये है कि उनको दे दें कि लो भी भाई आपने सारा कुछ ही ठीक करना है, बजाय कि एक एक पार्ट्स आप मुल्क का अलहदा करके किसी को देते हैं तो बेहतर है ना, टोटली बंदा दे दो कि यार इससे काम लो जो मर्जी। बेस्ट यही है कि एलन मस्क है, वो कह रहे हैं हम टेस्ला लेके आएंगे इंडिया में, या फेसबुक और जितने भी टेक जॉइंट्स हैं उनके ऑफिसेस इंडिया में हैं, एप्पल ये हो गया, तो बिकॉज दे नो के वहाँ पर जो है जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। IIT एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान में उस मुकाबले की कोई भी नहीं है। तो जब आपका पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा, अच्छे क्वालिटी इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होंगे तो कंपनीज उधर ही जाएंगी। तो ये मसला है, जो हमें पैसे मिलते हैं वो एजुकेशन में नहीं, वो हुक्मरानों के लाइफस्टाइल पे खर्च होते हैं। सर, क्या वजह है कि यही हुक्मरान जब हम इधर आम पब्लिक से नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो बड़ा ही एक हेट देखने को मिलता है, और उन्हीं का जब पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उनको मतलब डिफरेंट ऑनर मतलब अलकाबाद से अवार्ड से जो है वो नवाज रहा है, पूरी दुनिया में इवन के इस्लामिक कंट्रीज जोन सी हैं वो भी उनको रिगार्ड कर रही हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में इतना हेट क्यों देखने को मिलता है उनको? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ जो मसले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह के, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने या जो भी कह सकते हैं पॉलिटिशियंस ने अवाम में हेट इसलिए डाल दी है ताकि वो अपनी जो कमियां हैं, अपने जो फेलियर्स हैं उनको छुपा सकें। तो इसलिए उन्होंने ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया कि उसने देखो ये किया है, क्योंकि जो लेकिन जो उसने अवाम के लिए अच्छा किया है तो वो नहीं नजर, वो नहीं दिखाएंगे, वो इसलिए हेट डाल दी है ताकि अवाम इसी के अंदर लगी रहे और हमें क्वेश्चन ना करे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज तक आपको कोई पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिली होगी, जबकि मैं आपको बताऊं तो अभी मेरा पिछले दिनों इधर एक फैमिली मुझे मिली और उन्होंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाकायदा रिकमेंड करते हैं स्पेशली कि आप भारत से जाके करवा के आएँ, लेकिन आज तक कभी आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर सुना हो कि कोई फैमिली यहाँ से गई हो और वो भारत, हमें यही क्यों बताया जाता है कि वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत है और वहाँ पर इंतहा पसंदी है, वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं ये वो, जबकि रियलिटी आपके सामने है। 7.2% के साथ ग्रोथ किया उन्होंने, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर वो आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर है, ऑटोमोबाइल में जापान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता, ये वाला इमेज हमसे क्यों छुपाया जाता है? वो इसलिए छुपाया जाता है कि अगर ये पता लग गया, अगर ये मुझे पता लग गया तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा मुझे वो चीज़ इधर चाहिए, राइट, और अगर मैं ये मांगने लग गया तो फिर मामला काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब कि अगर मुझे ये पता लग गया कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मेरा राइट है, राइट, तो अब जो हुक्मरान है उनके लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएंगी, उनको भी चीज़ें देना पड़ेंगी जो कि वो नहीं देना चाहते। कितना आगे निकल गया भारत हमसे? भारत बहुत आगे है, भारत आपको चाइना से भी आगे निकल रहा है, जल्दी नज़र आएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या सुपर पावर की दौड़ में भी देख सकते हैं उसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल। इंडिया आपको बहुत आगे नज़र आएगा, बिल्कुल। और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम शायद एथोपिया या सोमालिया के करीब आ जाएं। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? एनी लास्ट मैसेज यही है कि इंस्टेड ऑफ हेट, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके अपने राइट्स जानने चाहिए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमें
हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत में है कि हमारे राइट्स ये हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आतिफ। क्या करते हैं सर आप? मैं वकील हूँ। वकील हैं माशाल्लाह। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्र के दौरे के ऊपर हैं। अगर देखा जाए तो पहले अमेरिका और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो भी इंतहाई कामयाब तरीन रहा है। किस तरीके से देखते हैं नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स जो उनसे इंटरनेशनल हो रहे हैं? देखें जी, जब आप किसी एजेंडे के थ्रू जाते हैं ना, किसी मकसद को लेके जाते हैं, एक आपका एक पर्पज़ है किसी भी कंट्री को विज़िट करने का, तो वो एजेंडा आप जब लेकर जाएंगे उसके ऊपर ज़रूरी नहीं होता विज़िट करना कि बिला वजह आप विज़िट कर रहे हैं, उसका तो कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई एजेंडा है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया विज़िट कर रहा है डेफिनेटली इंडिया के साथ लोगों को भी कोई एडवांटेज होगा ना। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इसमें तो कोई मतलब झूठ नहीं है, हकीकत है, उस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए आपको। क्योंकि इंडिया को आप देखें इस वक्त फिफ्थ बड़ा बिजनेस के लिहाज से उसको कंट्री समझा जा रहा है, और आबादी की भी देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आबादी के लिहाज से वो कंट्री है। तो कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के साथ अगर हम वैसे करें तो हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, ये हकीकत है। वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हकीकत को देखें कि वो कर क्या रहे हैं। वो आईटी की बात करते हैं, आईटी के अंदर वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, गूगल का सीईओ देखें कौन है, फेसबुक का देख लें, कोई ना कोई जो टॉप रैंक के लोग हैं उधर इंडियंस बैठे हुए हैं। तो वो कैसे चले गए? एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबी सिस्टम है। अगर आप देखें यूट्यूब की बात करें, 2015 में ये हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चल रही थी, और 2008-09 से मेरे ख्याल में ये ब्लॉक है जब से वो उधर कोई किसी ने खाके बनाया। ठीक है, रिलीजियस हर इंसान को उसके साथ अटैचमेंट है, हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई बात करें, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप उस कनेक्शन को ही बंद कर दो। अब आज आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अगर ये हमें 10 साल पहले इतनी अवेयरनेस होती तो आज डेफिनेटली हर बंदा शायद यूट्यूब चैनल बना रहा होता। अभी 2-3 साल पीछे चले जाएँ, कोरोना से पहले क्या सिस्टम था इधर? तो मतलब अब हर बंदे का उस वक्त चल रहा है, जब यूट्यूब अब देखा जाए तो तकरीबन जिन लोगों ने, अब न्यू बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है इधर आना। तो उसके पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करो, बिज़नेस करो। जब बिज़नेस आप करोगे लोगों को आपसे भी तवक्को होगी, आप भी किसी को चीज़ बना के दोगे। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की तरफ देखें, कोई एड दे आपको। आप एक रिश्तेदार के पास जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए रिश्तेदार ही है ना, कम्यूनिटी दोस्त है, तल्लुक है आपके कंट्रीज़ के साथ, कितनी देर आपको कोई बंदा फैसिलिटेट करेगा या एड देगा? आप इधर पाकिस्तान में बन क्या रहा है? आप पाकिस्तान में कौन सी चीज़ बना रहे हैं जो आप बाहर भेज सकते हैं? इंडिया तो बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में बना रहा है, वो बाहर भेजता है, उधर से उन लोगों को भी एडवांटेज है। बिला वजह कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, दोस्ती मुल्कों में दोस्ती नहीं होते, और आपका जो एडवांटेजेस होते हैं, मफादात होते हैं, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। वो मफादात इंडिया के साथ भी हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका को भी इंडिया के साथ मुफाद आते हैं, उसमें कई रीज़न होंगी। पाकिस्तान में मतलब जो हमारा जग्राफियाई लिहाज से जो एरिया है वो, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा उनको तवक्का आता है इंडिया से, वो उसके बदले में कुछ ना कुछ देंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो चाइना को कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना देखना चाहते। वो लहदा बात है, वो हो जाएगा या नहीं होगा वो अलग बहस है, लेकिन वो इसी वजह से ये मामला थे। मिस्र को अपने, बेशक मुस्लिम कंट्री है, वो भी एक टाइम था मतलब पाकिस्तान की तरह ही हालात थे, अभी भी उनके हालात कोई इतने ख़ास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नस्बत थोड़ा सा ठीक है चीज़ें। और फिर जग्राफियाई लिहाज जहाँ उनकी कंट्री जिस जगह पर उनका स्टैंड करता है वो पाकिस्तान की नस्बत कुछ ठीक है। सर बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप आंसर करें मेरे क्वेश्चन को। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में खड़े किसी भी शख्स से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूं, वो पर्सनल बड़े ग्रजेस रखता है, बड़ा हेट मतलब देखने में आता है कि नरेंद्र मोदी, और हमारे पॉलिटिशियंस भी जो है वो बहुत सारे अलकाबात ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली पब्लिक में वो चीज़ आती है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, यही अगर हम किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की बात करें, सऊदी अरब की कर लें, आप यूएई की बात,
कर लें, आप मिस्र की बात कर लें, वो बाकायदा ऑनर कर रहे हैं, अवार्ड से बाकायदा मतलब जो है वो नवाजा जा रहा है, नरेंद्र मोदी को बॉस कहा जा रहा है और वो भी टॉप लीडरशिप के हवाले से, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट, तो आप कैसा देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ मतलब इतना हेट है और वहाँ पर पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट दे रही है? यही वजह है, एडवांटेज है। देखें आपके, मैं एज एक छोटे लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी फैमिली है, आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, एक बंदा जो पैसे में ज़्यादा कमा रहा है ना, उसको आप कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार है, जो गरीब उसको आप भी नहीं समझोगे, मतलब मैं आपको हिट नहीं कर रहा इस बात पे, लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप बड़े कैनवस पे जाके देखेंगे ना, तो इंडिया एक बड़ी मईशत है। ठीक है, उनका मतलब अगर एक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जिसकी मूवीज़ पाकिस्तान में बड़े शौक से देखते हैं लोग, उनकी अगर टोटल वो देखा जाए, हमारी टोटल इनकम जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 30 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है। ये हमारी मेन जो कमाई की समझ लें कि ये चीज़ है जो हम इधर से बना के कुछ बेचते हैं, उसमें IT भी है, सारा कुछ है, एक फ़िल्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म की बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब आप कमाई क्या कर रहे हैं, इधर इधर कोई गोरा आपने देखा है कभी मार्केट में फिरते हुए, कोई बाहर से कोई बंदा टूरिस्ट आया हो? बहुत लिमिटेड है, ना होने के बराबर। तो इस वजह से रिस्पेक्ट जो है डेफिनेटली, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, दुबई चाहता है कि कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आज भी पाकिस्तान की मार्केट्स में आ रही हैं वाया दुबई आती हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो बिज़नेस में, दुबई से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं इंडिया से, डायरेक्ट नहीं मंगवा रहे हम, अगर ऐसा हमारा कोई अच्छा तल्लक होगा तो पाकिस्तान। यही अफसोस की बात है कि चाइना से भी उनका लद्दाख के ऊपर इशू है, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड उनकी कभी वो नहीं होती, हम कश्मीर के इशू के ऊपर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यही वजह है। देखें ट्रेड अपनी जगह पे होनी चाहिए, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, और उसमें देखें कि आपका भी कोई फ़ायदा हो ना, अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं उस पर, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप आज ट्रेड खोल लें, उसी से मंगवाई जाएँ, डॉलर उनको देते जाएँ, तो उसका भी क्या फ़ायदा है? ये मेन चीज़ है, जो बंदा पॉलिसी बनाता है ना ऊपर, हमारे हुक्मरान जो हैं उन चीज़ों को देखना चाहिए यार, हमारे लिए क्या बेहतर है। सर कैसा लगता है कि यहाँ पे एक नौजवान जब कहता है कि वो लोग तो अपनी कौम के साथ लॉयल हैं, वो अपनी कौम के हीरो भी हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, क्या आप इनको हीरो मानते हैं? आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अगर शहबाज शरीफ को देखें तो उन्होंने कोई डिवेलपमेंट किया पाकिस्तान के अंदर? नहीं, देखें अगर दो चीज़ें हैं जी, एक तो पाकिस्तान को अगर वैसे आप इंटरनेशनली लेकर जाएंगे ना, इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ अगर, हाँ तकरीबन बनता है बांग्लादेश के साथ, बनता है अरब डॉलर के असासे हैं उनके, बिल्कुल ऐसे कंपैरिजन इस मामले में बनता है, मतलब उसकी आबादी है ना। देखें अब हमारी आबादी फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ है, ठीक है, उनकी 1 करोड़ 1 अरब 25-30 करोड़ है, बांग्लादेश की तो इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, वो तकरीबन बनता है उनके साथ, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनता, उस लिहाज से नहीं बनता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, बहुत से छोटे छोटे मुल्क भी हैं, वो उनका इंडिया से भी ज़्यादा वो है। मेन चीज़ है पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसमें बिजनेस जो है ना, बिज़नेस करने की आसानी हो, उस हत्या के पिछली गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं कॉरपोरेट का वकील हूँ मुझे पता है, पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी आसानियां की थी, उसमें बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन की है, टैक्सेशन का इशू है, लेकिन उसके बाद अभी ये चीज़ें फिर दोबारा से स्ट्रक होना शुरू हो गई हैं, एक्सपोर्ट करने में बड़े मसाइल हैं, वो उन चीज़ों को दूर करना कितना मुश्किल है, जो हर्डल्स आ रही हैं उनको ख़त्म करना कितना मुश्किल है। अभी इन्होंने काउंसिल बनाई है, इसीलिए हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, उन्होंने एक काउंसिल बनाई है कि उसके ऊपर बिज़नेस या इकॉनमी को रिवाइवल के लिए, तो देख लेते हैं वो क्या उस पर होता है। अगर ये इतने एक्सपर्ट थे तो उनको लाने की जरूरत, अभी भी आर्मी को ही करना पड़ रहा है, हर मामले में आर्मी आती है, सलाह होता है जी आर्मी आ गई, अब बिज़नेस की रिवाइवल के लिए भी आर्मी ने एक काउंसिल बनाई है। आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं, आप उन्हें एज आ मतलब किस तरीके से देखते हैं? वो अपनी कंट्री के लिए ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है, देखें जो अपने मुल्क के लिए, जो अपने घर के लिए ठीक है बंदा, हम उसको बुरा कहें या अच्छा कहें, हमारा मेरा नहीं ख्याल उससे उसको कोई फ़ायदा होगा। सही, अगर उसकी अवाम उसके साथ ठीक है तो वो बेशक जो भी है वो उसके साथ ठीक है, अगर हमारा इधर प्राइम मिनिस्टर है हम उसको जितना मर्ज़ी अच्छा कहते रहें, वो एक नंबर का बंदा ना हो बेशक, ठीक है, उसका नुकसान या फ़ायदा हमें होगा, किसी को नहीं है। इंडिया का अगर मोदी बेस्ट कर रहा है तो लोग उसके साथ हैं ना, उनकी फिलहाल शरीफ इधर का
नहीं वो इतनी इसका कैलिबर ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मतलब मैं पीटीआई का सपोर्टर के तौर पे बात करूं। सर देखिए ना, जिस तरह यहाँ के हुक्मरान बैगर्स आर नॉट चूजर्स इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं होती है? उधर के पॉलिटिशियंस, उधर के ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं पास करती? इशू ये है कि ये बंदे जो है ना, शहबाज शरीफ की बात कर लें, इनका कैलिबर मतलब ये सिर्फ डायलॉग्स की हद तक ये बातें अपने मैटर्स में तो नहीं, ये बैगर्स कैन नॉट बी चूजर कहते हैं, मतलब अपने इनके बिजनेस के अंदर या चीज़ों के अंदर क्यों नहीं ये बोलते हैं? 22 करोड़ अवाम के साथ खेला जा रहा है तो और क्या, बस इन अवाम को भी इतना शऊर नहीं है, बेसिकली अवाम को इतना शऊर ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, उनको पता ही नहीं है वोट की कीमत क्या है। अभी वो पर्सनल छोटा सा काम होगा, किसी की जॉब का इशू है, वो MNA के डेरे पे, मैं PhD लोगों को जानता हूँ, वो एक MNA जो 10 पढ़ा हुआ है MNA उसके डेरे पे जाके बैठता है सिर्फ इसलिए मेरी पोस्टिंग हो जाए, यार एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाए। ट्रेड कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में भारत के साथ? ट्रेड भारत के साथ क्या, हर मुल्क के साथ होनी चाहिए, जहाँ पर भी क्योंकि आपको फैसिलिटी मिलती है ना, उनसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सर एड पॉलिसी रही है, ट्रेड पॉलिसी आज तक नहीं, यही मसला है, इसी वजह से हम पीछे हैं, यही वजह है। अगर आप पीछे हैं तो उसके पीछे रीज़न भी ये है ना, एक छोटा सा भी कोई आप काम करते हो आपको रिस्पेक्टफुल, ये बंदा एक रेडी लगा के खड़ा है, बिजनेस कर रहा है, अगर ये जॉब करेगा तो मेरा नहीं ख्याल, ये अगर 1000 रुपया दिन का कमाता है, जॉब वाला इसको रखेगा पूरा अपने मुलाजम बना के, और शायद इतना कमा भी ना सके, तो इसलिए बिजनेस बड़े लेवल पे आप जब करोगे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, बजाय कि एड ले ली उसका, फिर वो एड जो होती है, एड भी कब होती है, ये कर्जा होता है, एड हो तो वो तो ख़त्म हो जाती ना। कराची पोर्ट का आपको खबर आई होगी कि उसको भी 25 ईयर्स के लिए, हाँ 25 ईयर्स के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए के लिए दिया, 15 अरब रुपए क्या अमाउंट है, पाकिस्तानी 15 अरब रुपए वो